मौत के साथ वार और काम तमाम, हत्या की ऐसी वारदात जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अवैध रिश्तों के शक में एक पति बन गया हत्यारा, अपने ही दो दोस्तों पर उसने जानलेवा हमला कर दिया, एक दोस्त की मौत हो गई। सड़क पर जा रहे दो दोस्तों पर पीछे से किया तीसरे शख्स ने घातक वार। देखिए, दौड़कर पीछे से पहुंचे शख्स ने इतनी फुर्ती से हमला किया कि ये दोनों शख्स कुछ समझ भी नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। पीछे से आए एक शख्स ने पहले एक दोस्त के सिर पर लोहे का रॉड मारा और फिर बगल में चल रहे उसके दोस्त के सिर पर लोहे के रॉड का तेज वार किया। सीधे सिर पर हुए इस हमले से दोनों शख्स अधमरे होकर जमीन पर गिर पड़े, तो इस हैवान ने फिर दोनों के सिर पर रॉड से दो दो बार वार किया। सिर के नाजुक हिस्सों में लोहे की रॉड के घातक वार ने एक शख्स की जान ले ली। खौफनाक कत्ल की यह वारदात उड़ीसा के भुवनेश्वर में नयापल्ली इलाके में हुई। जिस इलाके में यह वारदात हुई वहां एक गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कत्ल की यह खौफनाक तस्वीरें और पुलिस के शिकंजे में आ गया कातिल। पुलिस के मुताबिक सीमांचल जेना नाम के इस शख्स को शक था कि बसंत प्रधान नाम के शख्स के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। इस बात पर दोनों में पहले भी झगड़ा हुआ था। 30 जुलाई को बसंत प्रधान अपने दोस्त लंबोदर प्रधान के साथ रात में फिल्म देखकर लौट रहा था, तभी सीमांचल जेना ने दोनों पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी फुटेज हम देखे थे, उसके बाद हमारा ग्राउंड इंटेलिजेंस भी था, तो ये सबको बेस करके जो एक्यूज्ड है सीमांचल जेना उसको अरेस्ट किया गया है। और जो पता चल रहा है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में, दोनों में जो प्रीवियस एनिमिटी था, झगड़ा भी हुआ था पहले, और पहले भी कुछ मारपीट भी हुआ था, उसके लिए उसका जो गुस्सा था इसलिए जो मतलब मर्डर हुआ है। सीमांचल जेना के हमले से बसंत प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।